नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। अस्थिरता से दिल्ली को भारी नुकसान हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंबेडकर नगर में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हम एक पल भी आराम नहीं करेंगे और दिल्ली को नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। उन्होंने कहा कि अस्थिरता से दिल्ली को भारी नुकसान हो रहा है। मेरी राजनीति का मंत्र विकास है, हमें गरीबों का जीवन बदलना है। उन्होंने केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि जो खुद चुनाव नहीं जीत पाते हैं उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया जाता है। जो खुद को ईमानदार कहते थे उनका कच्चा चिट्ठा खुल गया है। अरविंद केजरीवाल को चुनाव आयोग से राहत। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली उच्च न्यायालय को बुधवार को बताया कि राष्ट्रीय राजधानी में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल का नाम मतदाता सूची में दर्ज होना सही है। न्यायमूर्ति बेहू बाखरू की पीठ ने कांग्रेस नेता किरण वालिया की याचिका पर आयोग से जवाब मांगा था। किरण ने इस आधार पर केजरीवाल का नाम दिल्ली की मतदाता सूची से हटाने की मांग की थी कि उन्होंने अवैध रूप से खुद को राष्ट्रीय राजधानी का निवासी बताया है। आयोग ने अदालत से कहा कि अरविंद केजरीवाल का नाम दिल्ली की मतदाता सूची में शामिल होना सही है। वह 87 ब्लॉक के बीके दत्त कॉलोनी के पते से नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र में एक मतदाता के तौर पर पंजीकृत। हालांकि अदालत ने आयोग से कहा कि वह उसके द्वारा लिए गए निर्णय संबंधी दस्तावेज पेश करे। मोदी कहते हैं मेक इन इंडिया सूट पहनते हैं विदेशी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का प्रधानमंत्री पर हमला। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने जहांगीरपुरी में कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए दिल्ली में कांग्रेस सरकार द्वारा किए गए कामों का जमकर बखान किया। वहीं राहुल के निशाने पर आम आदमी पार्टी और भाजपा रही। पीएम पर निशाना साधते हुए राहुल ने कहा कि अब प्रधानमंत्री मोदी भ्रष्टाचार की बात क्यों नहीं करते, मेक इन इंडिया की बात करते हैं लेकिन यूके में बना 10 लाख का सूट पहनते हैं। हम सिर्फ भाषण नहीं देते, हम सबको साथ लेकर चलते हैं। केजरीवाल पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कहा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी ईमानदारी की बात करती है। आप कहती है कि अगर सरकार बनती है तो क्राइम पर लगाम लगाएंगे, लेकिन आपकी लिस्ट में 20 क्रिमिनल उम्मीदवार बने हैं। मध्य प्रदेश नगर निगम चुनाव में भाजपा को भारी सफलता। मध्य प्रदेश में इंदौर, भोपाल, जबलपुर और छिंदवाड़ा नगर निगम चुनाव में भाजपा ने चारों शहरों के महापौर पद अपनी झोली में डाल लिए हैं। इंदौर में मालनी गौड़, भोपाल में आलोक शर्मा, जबलपुर में स्वाति गोडबोले और छिंदवाड़ा में कांता फदारंग महापौर चुनी गई। इंदौर में महापौर पद के लिए चुनी गई मालनी गौड़ ने अपनी सफलता के लिए शहर की जनता को धन्यवाद दिया और इसे कार्यकर्ताओं की जीत बताया। पूर्वोत्तर के लोगों को अप्रवासी बताने पर भाजपा ने माफी मांगी। विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा की ओर से जारी दृष्टि पत्र में यहां रहने वाले पूर्वोत्तर के लोगों के संदर्भ में अप्रवासी शब्द का इस्तेमाल किए जाने से विवादों के घेरे में आई पार्टी ने इसे छपाई की गलती मानते हुए इसके लिए आज माफी मांगी है। भाजपा प्रवक्ता MJ अकबर ने कहा कि दृष्टि पत्र दस्तावेज में यह एक दुर्भाग्यपूर्ण मुद्रण चूक थी, हम इस गलती के लिए माफी मांगते हैं। पूर्वोत्तर के अरुणाचल प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि यह एक लिपिक और मुद्रण गलती है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।